हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो गाइस? आज का मेरा जो है ना कोटा पूरा हो चुका है काम का। और आई थिंक थकने के बाद बावजूद भी बहुत ज़्यादा मैंने काम कर लिया और बहुत ज़्यादा मैं थक कर आई थी। एक्चुअली मैं आज गुड़गांव गई थी किसी ज़रूरी काम से। तो वो ज़रूरी काम क्या था वो मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगी। और वहाँ पे मैंने कई सारे रूम्स देखे हैं, कई सारे रूम्स देखे हैं। मैंने कौन सा फाइनल किया है, नहीं किया है, वो सब मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो सो गाइस, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। एक्चुअली मैंने जो है ना अपना पूरा बेड खाली कर दिया था, पूरा बेड खाली कर दिया था और बेड लेने अभी तक नहीं आया। तो मैं पूरा सामान फैला के नहीं रख सकती थी, तो मैंने सोचा कि चलो जब वो आएगा लेने तो सिर्फ एक जो है बोरी निकाल के रखनी है। तो बेड मैंने बेच दिया है और कुछ सामान जो है मैंने बेच दिया है, लेकिन वो अभी तक लेने नहीं आया। मैं जो है ना अपने सामान को बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मैं जितने भी एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें उन सबको मैं निकाल देना चाहती हूँ, क्योंकि किराए के घर में सामान रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सामान लेके ढोना हर जगह किराए के घर में इनफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बेड मैंने दोबारा सेट कर दिया है, इस तरीके से बेड मैंने सेट कर दिया है। पता नहीं क्या मुझे बार बार काट रहा है। तो बेड मैंने सेट कर दिया है और आज मैंने पहना ये वाला फ्रॉक जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है। ओहो, कुछ तो था, मैं जब भी कह रही हूँ कि मुझे क्या काट रहा है, बाल चिपक गया था। तो सो गाइज, अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। मेरा जो है डिनर कंप्लीट हो चुका है। मैं लेके आई थी चिली पनीर और राइस, फ्राइड राइस लेकर आई थी, वो दोनों को मैंने खाया है। और सोफ़ा भी मैंने सेट कर दिया है, कुछ कपड़े निकाले धोने के लिए। कपड़े धोने के लिए लगाए थे, मशीन का जो पाइप होता है ना वो टूट गया है, तो कल मुझे अब उसका पाइप लेके आना पड़ेगा। मैंने सोचा कि निशु के सारे कपड़े यहाँ से जो है धो के और सुखा के फिर भेजूं, लेकिन मशीन जो है ना मेरा ख़राब हो गया है, इसकी वजह से काम जो है मेरा रुक गया। मैंने सोचा था कि वैसे तो मैंने दो पार्ट में इसके सारे कपड़े धो दिए, सिर्फ एक जैकेट रह गई है जिसको मैं नहीं धो पाई हूँ। और मेरा जो है विंटर का कंबल की खोली जो है ना वो रह गया है धोने के लिए, उसको भी मैं नहीं धो पाई हूँ क्योंकि पाइप टूट गया मेरा। पता नहीं कैसे पानी बाहर गिर रहा है, सरफ भी सारा वेस्ट चला गया, तो मेरे को पता ही नहीं चला कि सरफ वेस्ट जा रहा है, लेकिन पाइप तो टूट गया है तो बिना पाइप का तो नहीं धुलेगा। और मैं कल से वेट कर रही थी बेड वाले का कि बेड लेके जाएगा लेके जाएगा लेके जाएगा, बट लेने के लिए नहीं आया। तो मैं फाइनली इसको सेट कर दिया, अपना सोफ़ा भी झाड़ के उसका जो कवर है ना वो बिछा दिया इस तरीके से, और बेड भी सेट कर दिया है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ ठीक है, देखते हैं कब तक यूज़ हो सकता है या फिर नहीं यूज़ होता है। तो बस यही सब था। और आज मैं पूरे दिन बिजी थी, थोड़ा किसी काम से गई हुई थी और कई सारी चीज़ें सेट करनी है दुकान से, जो है काफ़ी सारी सामान जो है लेकर आना है। और वो मैं इस 15 तारीख तक का, मेरे पास नेक्स्ट 15 तारीख तक का पूरा टाइमिंग है उसको जो है सेटलमेंट करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद मुझे आ रही है नींद क्योंकि मैं हो चुकी हूँ थक गई। तो सो गाइज, ब्लॉग कैसा लगा जल्दी बता देना कमेंट्स करके। और नेक्स्ट जो है नोजरिंग की वीडियो मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है नहीं लगता है मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बता दिया करो। और ये मेरा लिपस्टिक का शेड जो है पर्पल से है, और ये वाला जो है शेड काफ़ी अच्छा निकला। बाकी जितने भी लिपस्टिक थे सबके पापड़ी छूटते थे ऐसे लगा करके, तो ऐसे ऐसे उखाड़ना पड़ता था और होंठ भी फट रहे थे मेरे, काफ़ी फट रहे थे उस लिपस्टिक से। बाकी बस यही वाला लिपस्टिक है जो ठीक ठाक है। तो बस गाइस, और वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बाय बाय। कैसे हो गाइज, आप सभी कैसे हो? और अभी हो रहे हैं 7:30, 7:30 बज रहे हैं और आपको कुछ दिखाती हूँ। चलिए,
और ये पहना है मैंने रेड स्वेट स्वेटर इस तरीके से, और ये पहना है मैंने ब्लू जीन्स ये वाली, और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये क्रॉप टॉप है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके से। और मेरा जो है बेड हो चुका है खाली, पूरा बेड खाली हो चुका है। ये है बेड मेरा खाली हो चुका है, और पिज़्ज़ा जो है मैंने फिनिश कर लिया है, और मैं जा रही हूँ कंबल लगाने मशीन में धोने के लिए। कंबल धोने जा रही हूँ मैं, 1 मिनट मैं इसका कॉलर ठीक कर लेती हूँ। इसका दो फायदा है, चाहे तो आप इसको बंद कर लीजिए, चाहे तो आप इसको ओपन रहने दीजिए। और ये है पूरा विंटर का स्टॉफ, जो कि जो यूज़ होने वाले नहीं है उसको मैं बांध के रखने जा रही हूँ, और जो यूज़ होने वाले हैं उसको मैं धोने के लिए जा रही हूँ लगाने के लिए। तो चलिए इसकी पैकिंग जो है कर लेते हैं। और बेड जो है मैंने सेल कर दिया है, बेच दिया है, बेड को भी बेच दिया मैंने। और अभी जो है सिर्फ दो, ये वाला गद्दा और एक ये वाला गद्दा, दो गद्दे बस मैंने रखे हैं, बाकी सारा सामान मैंने बेच दिया है। कंबल जो है धूप दिखा के इसका जो है मैं कवर धो दूंगी, कवर धो के चढ़ा दूंगी मैं अगले दिन, तो इससे अच्छा रहेगा विंटर में ओढ़ने के लिए, अच्छा होगा। सिटिंग अरेंज अभी कुछ दिन के लिए मैं नीचे करूंगी, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे ये पूरा महीना जो है निकालना है। और मैं किस सिटी में शिफ्ट हो रही हूँ, कहाँ शिफ्ट हो रही हूँ, वो भी आप लोगों को जल्दी मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। ये वाला कंबल जो है, ये वाला एक पतला कंबल है, अभी ज़्यादा ठंड नहीं है लेकिन हाँ ये थोड़ा सा ठंड का माहौल हो चुका है। ये वाला कंबल धोने जा रही हूँ मैं, और साथ के साथ मैं ये वाला भी धोने जा रही हूँ, क्योंकि ये कंबल का कवर है मेरे। ये दोनों धोने जा रही हूँ, जो मोटे वाले स्वेटर हैं इनको पैक करके मैं रख दूंगी। और जैसे ये मेरा है बहुत जैकेट है मेरा, ये पूरा वाला जैकेट है, ये टू साइड है, चाहे तो आप इधर से भी पहन सकते हैं, चाहे तो आप इधर से भी पहन सकते हैं। ये दो साइड है, ये काफ़ी मोटा है, पूरा विंटर कट जाता है। और ये मैं सरोजनी नगर से लेकर आई थी, बहुत अच्छा है, और इसमें कॉन्टेस्ट में शायद। और एक मेरा ये है ब्लू कलर का, और ये मेरा ब्लू वाला ऐसा है, ये ऐसा है ब्लू वाला जैकेट, इसमें भी पूरा विंटर कट जाता है, एक जरा सा भी ठंड महसूस नहीं होता है। और ये फैशन वाले सारे हैं विंटर के, ये सब तो इन सबको मैं साइड कर रही हूँ। अभी जो मेन धोने वाले कपड़े हैं उनको निकाल रही हूँ। एक ये है मेरा विंटर का वन पीस है, जो कि मैं विंटर में इसको लेगी के साथ वेयर करती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस तरीके से है, इस तरीके से मल्टी कलर का है, और इसे भी मैंने सरोजनी नगर से लिया था ये वाला। जो कपड़े धोने के लिए है उनको मैं निकाल रही हूँ, और काफ़ी सारे स्वेटर हो गए मेरे पास। और एक ये है, ये पूरा बल्क वाला है, इस तरीके से है हाफ बाजू में। एक ये है जैकेट में, तो इन सबको मैं धोने के लिए लगा देती हूँ, बाकी नीचे के जो है उनको मैं पैक कर देती हूँ। मैं सोच रही हूँ जो नीचे को नहीं पहनता उसको मैं एक बार छोटे बच्चे को दे दूँ, अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा हो गया कपड़े। बाकी जो दूसरों के हैं उनको पैक कर देती हूँ मैं, ये भिजवा दूंगी, ये मेरे को अपने पास नहीं रखने हैं इनको, तो इन सभी को मैं पैक कर रही हूँ। ज़्यादा, क्योंकि हम जो पिछले मकान में थे वहाँ पे बिल्कुल धूप हवा कुछ भी नहीं था, इसलिए सारे कपड़े बेड में पड़े पड़े बदबू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बदबू हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है। तो अभी मैंने पहले स्वेटर वगैरह सब धोने के लिए लगा दिया है, उसके बाद जो है मैं फिर ये वाले कंबल धोऊंगी, ये वाले और कवर और कंबल ये वाला दोनों एक साथ ही धोऊंगी मैं। और स्वेटर भी सारा निकाल दिया, बहुत ज़्यादा विंटर के कपड़े हो गए, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड। तो जो मैं धो रही हूँ निशु के सारे भिजवा दूंगी, और जो नहीं पहनने वाले हैं उन सबको मैं इस बार किसी गरीब बच्चे को या फिर किसी गरीब फैमिली को सारा का सारा दे दूंगी, ताकि किसी के यूज़ में हो जाए। निशु के बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं अनलिमिटेड, और मेरे भी काफ़ी सारे कलेक्शन हो चुके हैं, स्वेटर के कपड़ों के बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो चुके हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में।